अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एएच असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर वन और लेक्चर टू होपफुली आपने मिस नहीं किया होगा। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन से जल्दी से लिंक देखें और पहले लेक्चर वन और लेक्चर टू को व्यू करें और फिर आए इस लेक्चर नंबर थ्री पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये होल वीडियो। क्योंकि आपको मैं गाइड करूंगी आपके स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं प्रिपेयर और कौन कौन से टॉपिक्स इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम डिटेल्स आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज में शेयर भी करिएगा ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 से, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो पहले मार्क कर लें और साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताती जाऊंगी। ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड टॉपिक है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन के बाद आ जाता है स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका एक तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आपका डायोड्स जो है वो उनकी एप्लीकेशन क्या है। ये मैं आपको एंड पे जब क्वेश्चंस बताऊंगी ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें आप नोट कर लीजिएगा कि डायोड्स की एप्लीकेशन के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फोटो डायोड और ये तमाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर ट्रांजिस्टर्स है, इंक्लूडेड है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के बाद ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांजिस्टर्स मैंने क्यों नहीं आपको मार्क करवाया, अच्छा ये भी इंक्लूडेड एग्जांपल। ट्रांजिस्टर्स एज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए नहीं मार्क करवाया क्योंकि ज्यादातर ना ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर पेपर्स में आया है, पिछले पास्ट पेपर्स को अगर हम देखें तो। ठीक है, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जो पास्ट बोर्ड पेपर्स में आते रहे हैं पेपर्स उनके हवाले से मार्क करवा रही हूँ, तुक्को मैं आपको मार्क नहीं करवा रही। ठीक है, ओके, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच आपका स्किप्ड है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर देख लें। अच्छा, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ना इसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो ओ पी ए एम पी एज एन, ये क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओ पी एस ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इनवर्टिंग एम्पलीफायर। जिस तरह ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट था, इसी तरह से ये इनवर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका नॉन इनवर्टिंग जरा सा डिफरेंस है इसमें, सिर्फ इक्वेशन आपको आनी चाहिए, इनकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 18.2 एग्जाम्पल आपकी इंक्लूडेड है। और इस ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये आपका टॉपिक स्क्रिप्ट है, बस एक लास्ट टॉपिक है, ये है आपका कंपैरेटर्स एज अ नाइट स्विच। ठीक है, बस ये टॉपिक आपके इंक्लूडेड हैं आपके इस चैप्टर में से। होप्स आपको क्लियर होंगे कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स वगैरह सब स्किप कर दिए गए हैं। ये अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन था तो ये आपका सब स्किप्ट है इस बार। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसी के साथ एक्सरसाइज की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेटली अलग से वीडियो बना रही हूँ, वो मैं आप लाजमी वो व्यू करिएगा। और ऑफ कोर्स कैसे आपको पता लगेगा कि वीडियो अपलोड हो गई है, आपने बेल आइकन को क्लिक करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं फौरन से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्योंकि जहां तक बात है क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की, उसके हवाले से मैं एक सेपरेट अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगी। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब चैप्टर नंबर 19, चैप्टर 19 के बहुत थोड़े से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जल्दी से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये इंक्लूडेड नहीं है आपका, ये सेकंड भी नहीं इंक्लूडेड, स्पेशल थ्योरी ये भी नहीं इंक्लूडेड, ब्लैक बॉडी ये आ जाए, नीचे आ जाए, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आपका टॉपिक इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो 19.4 न्यूमेरिकल है ये आप इसको स्किप नहीं करिएगा एग्जाम्पल को। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स किसी सूरत मिस नहीं करने, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपकी एग्जाम्पल वाला न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, 19.5 टॉपिक आपका इंक्लूडेड है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इंक्लूड, ये 19.6 ये भी आपकी इंक्लूडेड है। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी,
फिर आ जाए नेक्स्ट पे 19.7 भी इंक्लूडेड है. एग्जाम्पल्स को डियर स्टूडेंट्स किसी सूरत नहीं मिस करना. एग्जाम्पल्स जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया कि एग्जामिनर्स के लिए ना जो पेपर स्कीमिंग होती है और जो मार्किंग स्कीम बनती है उसमें बड़ा कन्वीनियंट रहता है कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वाला सिलेक्ट किया जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके आने के. ठीक है, उसको किसी सूरत नहीं छोड़ना. ये जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स है ये इंक्लूडेड है आपका टॉपिक. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए. बस एक टॉपिक और है जो इस चैप्टर का. अच्छा, ये 19.8 ये वाली आपकी एग्जाम्पल इंक्लूडेड है. ठीक है, इसी तरह से 19.9 भी इंक्लूडेड है. ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का आपका इंक्लूडेड है. बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये. इसी के साथ के जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं 19.10 और 11 ये भी इंक्लूडेड है. ठीक है, होप सो इस चैप्टर में से तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. बाकी जहां तक बात क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स की है, मैं एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आपको गाइड कर दूंगी, इसलिए आपने मिस नहीं करनी वो वीडियो. ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 20 बहुत थोड़े से टॉपिक्स इंक्लूडेड है इस चैप्टर के भी, जल्दी से मार्क करते हैं. ठीक है, सबसे पहले नीचे आ जाए, ऊपर वाले कोई टॉपिक इंक्लूडेड नहीं. बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप सोच भी नहीं सकते. इसमें पोस्टुलेट्स आ रहे हैं, इसमें डेरिवेशन आ रही है, इसमें लॉ आ रहा है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी सूरत नहीं छोड़ना. ये आपके केमिस्ट्री से लिंक्ड है, जिनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है उनको तो ये टॉपिक बोहर्स मॉडल बहुत अच्छे से आता होगा. ठीक है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ी सी ज्यादा अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उनके हिसाब से आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है. ठीक है, उसके बाद इनर्शियल, ये 20.1 आपकी एग्जांपल इंक्लूडेड है. इनर्शियल ट्रांजेक्शंस इंक्लूडेड है. ठीक है, इनर्शियल ट्रांजेक्शंस जो है ना एक्सरेज वगैरह में, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये आप पढ़े ना अच्छे से तो आपको बड़ा मजा आए इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि इसमें यूजेस ऑफ एक्सरे और स्कैनर और जो इफेक्ट्स होती हैं उसके बारे में जिक्र किया गया, जो कि हम डेली रूटीन में इनके थ्रू गुजर रहे होते हैं. हम एक्सरेज भी करवा रहे होते हैं, हम स्कैनर्स भी करवा रहे होते हैं, हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती. फिजिक्स जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसके, लेकिन बात वही है कि अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से समझा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग, लेकिन खैर ग्रेड 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इसका मकसद ही नहीं अब बनता कि व्हाट्स माय प्लान फॉर फ्यूचर, क्योंकि जाहिर है आप लोगों ने तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट मार्क्स से पास हो जाना है अभी, और फिर आप लोगों ने चले जाना है यूनिवर्सिटीज, फिर कहाँ याद रहना है आपको AHA असिस्टेंस. ओके, सो अनसर्टेनिटी विद इन द एटम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लेकिन ज्यादातर ना ये इसकी डेरिवेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चन में. अच्छा, उसके बाद लेजर, ये लेजर है. ठीक है, इसको भी अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता ये वाला टॉपिक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप इस टॉपिक को स्किप कर दें. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के लिए यू हैव टू सी माय अदर वीडियो. ठीक है, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में जैसे ही अपलोड हो जाएंगी वो वीडियोस. ओके, नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एटम्स की बातें हैं, फ्यूजन की बातें हैं, फिजन की बातें हैं. जिनको केमिस्ट्री आती है ना उनके लिए तो ये हलवा टॉपिक है. ठीक है, चलें जल्दी से इसके मार्क करते हैं. इसके आपके थोड़े से ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, ये आइसोटोप्स वगैरह इसमें से स्किप कर दिए गए हैं इस वक्त, वरना आइसोटोप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता था. यहां से शुरू हो रहा है. ठीक है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इसी के साथ इसकी एग्जाम्पल इंक्लूडेड है. इसमें बस एक से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ. रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसे मार्क कर लें एज इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आप हाफ लाइफ. स्टूडेंट्स हाफ लाइफ को तो किसी तरह से नहीं छोड़िएगा. ठीक है, जिस तरह आप लोगों की आजकल हाफ लाइफ हुई भी है ना, क्योंकि 11th के पेपर्स तो आपने दिए नहीं है, 12th के पेपर्स की बेसिस पे ही सब कुछ आगे बढ़ना है, इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये हाफ लाइफ वाला टॉपिक, इसको नहीं छोड़ना है. अच्छा अच्छा, उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, ये वाली एग्जाम्पल इसकी इंक्लूडेड है और ये इंपॉर्टेंट भी बड़ी है. ठीक है, ओके, एक्चुअली आई एम एडिटिंग ऑन बुक ना, ऑनलाइन बुक पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इस वजह से आई एम नॉट राइटिंग इट प्रॉपरली. अच्छा, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है. ये जो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी है ना ये आपकी इंपॉर्टेंट है. ये जो रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर ऑफ रेडिएशंस जो है, ये आप
को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ना कोशिश करें कि किसी पेज पे ना इन्हें लिख कर ना अपने सामने कबर्ड पे लगा लें, उठते बैठते इनको देख लें एक बार, ठीक है? जैसे केमिस्ट्री में हम करते थे ना, ये क्या होता है वो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को जिस तरह हम याद करने के लिए करते थे, इस तरह ये रेडिएशन आप याद कर लें, ठीक है? अच्छा, रेडिएशन डिटेक्टर्स, ठीक है, ये टॉपिक इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें बस एक बार गो थ्रू इसको कर लें ताकि अगर आ जाता है इन केस क्वेश्चन तो आप कुछ लिख सकें। न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है? वैसे तो स्मार्ट सिलेबस से स्किप ना ही कुछ करें, लेकिन खैर फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। न्यूक्लियर फिजन है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिजन चेन रिएक्शन, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चेन रिएक्शन जो है मैथ्स में भी होते हैं ना, चेन फॉर्मूला होता है ना, इसी तरह से ये चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये जो है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स इसमें स्किप्ड है, ठीक है, एक मिनट लेट मी कंफर्म इट जी। उसके बाद आपका फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद फ्यूजन रिएक्शन है, फिर आपका ये सारा इसी में इंक्लूडेड है, फिर ये जो रेडिएशन एक्सपोजर है ये है, ठीक है, और जल्दी से बस एक टॉपिक और रह गया है, ये बेसिक फोर्सेस ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, बायोलॉजिकल वाला, ये बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस, सॉरी ये इंक्लूडेड नहीं है आपका, ठीक है, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर ये आपका इंक्लूडेड है, और इसी के साथ साथ आपका जो लास्ट टॉपिक जो इंक्लूडेड है इस चैप्टर का वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, और ये आपको पता भी है ये चीजें, केमिस्ट्री भी तो साथ पढ़ते हैं ना, फोटॉन्स लेप्टॉन्स हैड्रॉन्स कोई मुश्किल काम नहीं है, इन्हीं की छोटी छोटी डेफिनेशन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम फिगर ना स्किप करिएगा बिल्कुल भी, ओके? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के और न्यूमेरिकल्स हैं उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो मैं बना रही हूँ, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, सो आपने वो देखनी है, और होप्स हो कि जब तक आप ये वाली वीडियो व्यू करें उस वक्त तक वो अपलोड हो चुकी हो, तो यकीनन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और मेरे चैनल पे जाके आपको सर्च ना करना पड़े कि आपसे रेलिवेंट वीडियो कहां पर है। Hope so you will stay tuned to my channel for more and more informative videos. Thank you for watching. Stay tuned. Allah Hafiz.